आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे भारतीय पुरातन ग्रंथों के अनुसार बताए गए ऐसे तीन महापुण्य के काम जिनको अगर आप करते हो तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी असफलता बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से है वह तीन महापुण्य काम, तो इसलिए आज की इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल ऑल इन्फो अपडेट। सबसे पहले जो पुण्य का काम है वह कौन सा है दोस्तों, कि भूखे को रोटी खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय धर्मग्रंथों के अनुसार अगर आप किसी भूखे इंसान को भोजन खिलाते हो, उसे खाना खिलाते हो, या फिर अगर आप किसी प्यासे इंसान को पानी पिलाते हो, तो यह संसार का सबसे बड़ा महापुण्य का काम है। अगर आप इसे करते हो तो आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहेगा और आपको कभी भी कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, आप इस पुण्य के काम को अवश्य करें। जो दूसरा पुण्य का काम है वह कौन सा है दोस्तों, कि दो प्यार करने वाले व्यक्ति को एकत्र मिलाना। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के लिए, आपका कोई एक मित्र है, उसे कोई एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आती है और उस लड़की को भी आपका मित्र बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पर वह दोनों प्यार का इजहार करने में बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो उसी समय में अगर आप उन दोनों के बीच में हस्तक्षेप करते हो और उनको एकत्र मिलाते हो, तो यह भी संसार का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अगर आप इसे करते हो तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा और आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद सदा सदा रहेगा। जो तीसरा पुण्य का काम है वह कौन सा है दोस्तों, कि मजबूर इंसान की मदद करना। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि भारतीय धर्मग्रंथों के अनुसार अगर आप किसी मजबूर इंसान की बिना स्वार्थ किए मदद करते हो, तो यह संसार का सबसे बड़ा महापुण्य का काम है। अगर आप इसे करते हो तो आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई भी असफलता बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपके घर में सुख, शांति, समाधान और धन संपत्ति बनी रहेगी। तो दोस्तों, आप इस पुण्य के काम को अपने पूरे ज़िंदगी में सिर्फ एक बार तो अवश्य कीजिए।